हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दही बड़ा बनाने जा रहे हैं यूपी स्टाइल, जो कि ये दही है और इसके अंदर हमने जीरा पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, और हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे। ये भी जीरा पाउडर है। अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं जितनी भी आपको पसंद हो। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं, नमक अपने आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये अभी हम दही बड़ा का मटा तैयार कर रहे हैं, इसी के अंदर अभी हम दही बड़े बना बना के डालेंगे। ये हम अब काला नमक डालने जा रहे हैं इसमें। वो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला जाता है, हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, यूपी स्टाइल है, सिंपल ही बनाते हैं। और आप लोग इसके अंदर कुछ और भी डालना चाहते हैं तो चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन हम और अब इसको मिला देंगे अच्छे से। ये हमने बड़े की दाल ली है, इसको हमने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। ये उड़द की दाल है और इसके अंदर थोड़ी सी चने की दाल मिक्स कर दी है, इससे हम बड़े बनाएंगे। हमने इसको 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था और अब इसको हमने पीस लिया धुलने के बाद में अच्छे से। आप लोग भी अच्छे से इसको धोकर पीस लें, उसके बाद इसके अंदर और चीज़ें जो डालेंगे आप देखिए। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से इसको मिला सकते हैं, चाहे हाथ से या किसी स्पून से या जैसे भी आपको सही लगे। इसको अच्छे से मिलाना है जिससे कि हमारे बड़े अच्छे अच्छे तैयार हों, फूले फूले बने। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाएंगे जिससे कि बड़े हमारे अच्छे से रेडी हों, जो कि यूपी स्टाइल जो बड़े बनते हैं उसमें मिलाया जाता है गेहूं का आटा, या बहुत से लोग बेसन भी मिला सकते हैं। आटा नहीं डालना चाहते तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, आप नमक डाल सकते हैं जैसा भी आप लोग खाते हैं अपने हिसाब से, देख लेना जैसा भी आपको पसंद हो अपने स्वाद अनुसार डाल लें। अब हम इसके अंदर हींग डालेंगे, हींग से बहुत अच्छी महक आती है और हींग ज़रूर डालें जिससे कि बड़े बहुत टेस्टी बने। बस इसके अंदर इतना ही डलेगा, इसको सिंपल तरीके से बनाया जाता है। इसमें जिसको अगर मिर्ची डालनी है, लाल मिर्च या हरी मिर्च या जो भी आपको, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ और भी डाल सकते हैं, कोई मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल ही बनाते हैं और ऐसे ही हमको बहुत अच्छा लगता है। ये हमने बड़े तेल के अंदर डाल दिए हैं, एक एक करके बड़ा बनाकर हाथ से हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सरसों का तेल है और ये सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनते हैं, और ये लोहे की कढ़ाई है, आपको तो पता ही है लोहे की कढ़ाई का स्वाद अलग ही होता है। आप जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जब भी बनाते हैं इसे लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। तो ये हमारे बड़े बन रहे हैं, ये एक एक कर हम इसमें सारे बड़े डाल देंगे और इसको पकने देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे जिससे कि हमारे बड़े स्लो फ्लेम में पकें और अच्छे पकें। अगर हम तेज कर देंगे गैस तो हमारे बड़े जल जाएंगे और अंदर से पक नहीं पाएंगे। देखिए हमारे बड़े फूलना शुरू हो गए हैं, और जब थोड़े से पक जाएं तो आप फ्लेम बढ़ा लें गैस का जिससे कि और अच्छे से पक जाए, लेकिन स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम आप स्लो ही रखेंगे, मीडियम रखें जिससे कि बड़े ना जलें और अच्छे से बन जाएं। आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस हो आप उस हिसाब से अपने बड़े डाल सकते हैं। हमारी कढ़ाई बड़ी है इसीलिए हमारे में ज़्यादा बड़े आ जाते हैं। देखिए बड़े फूल रहे हैं।
और इन्हें एक एक कर पलटते जाएँ, जैसे जैसे ये फूलते एक साइड से पक जाए इनको पलट दिया करें, जिससे कि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पक जाएँ। देखिए अब ये हमारे बड़े पक गए हैं, जो जो ये पक गए हैं उनको निकाल लें एक एक करके, और जो अभी कच्चे रह गए हैं उनको उसमें पकने दें। अब इनको एक एक करके निकाल लेंगे, ऐसे ही करके सारे बड़े बना लें। ये हमने अभी तेल में से जो बड़े निकाले हैं अब इनको पानी में डालेंगे, जो गर्म गर्म ही पानी में डाले जाते हैं। पानी में डालने के बाद में इनको मट्ठे में डाल दिया जाएगा, जिससे कि ये फूल जाएं। अगर इनके ठंडे हो जाएंगे और इनको मट्ठे में डालेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। पानी में डालने के बाद में इनको मट्ठे में या दही में, जैसे भी आप मट्ठे में बनाना चाहें तो मट्ठे में, दही में डालना चाहें तो दही में डाल सकते हैं, और इनको तभी के तभी डाल दिया जाए जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएँ। ऐसे ही सारे बड़े बना बना कर इसके अंदर डाल देंगे और इसको रख देंगे, एक दो घंटे के अंदर ये सारे बड़े हमारे अच्छे से फूल जाएंगे और इसको अच्छे से खाएं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।